हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम अपठित गद्यांश हमने पढ़ा था, आज उसका दोहरान करेंगे। अपठित गद्यांश एक और है यहाँ पे, देखिए आओ पढ़कर जाने, पढ़े और समझें। अपठित, अपठित का मतलब है जो पहले से पढ़ा गया ना हो। और एक होता है पठित गद्यांश, जो आपका पढ़ा हुआ होता है। पठित गद्यांश वे होते हैं जो आपकी बुक में से ही, आपकी पुस्तक में से ही आपको दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ दे देते हैं पुस्तक में से और उसके अनुसार प्रश्न दे देते हैं, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से आपको छांटने होते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं अपठित गद्यांश, जो आपका पढ़ा गया ना हो उसे कहते हैं अपठित। ऐसे गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर अपने आप समझकर और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। कोई भी ऐसा गद्यांश या काव्यांश जो काव्यांश होता है यानी कविताओं का अंश होता है उसे, या फिर गद्य का अंश होता है उसे, आपको पढ़ना होता है, समझना होता है और प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बच्चों, दिए गए गद्यांश को जरा पढ़िए, यह तो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। अब आप अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, वही होता है अपठित। हाँ, अब आप इस अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। फूलों की चादर, ओढ़े। यह पेड़ मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई तक गर्मी सहता है। इसके चटक लाल और रंगीन फूल से इस गर्मी में आँखों में ठंडक महसूस होती है। फूलों से सजा हुआ यह गुलमोहर का पेड़ छतरीनुमा शांत भाव से खड़ा रहता है। गुलमोहर का पेड़ है, उसके बारे में बात की गई है कि ये छतरीनुमा यानी छतरी की तरह बना हुआ है, जो एकदम शांत भाव से खड़ा रहता है। तभी इसे प्राय सड़कों के किनारे, बाग बगीचों और पार्क में लगाया जाता है। आजकल आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे लक्ष्मीगढ़ सीकर की तरफ भी सड़कों के किनारे बहुत से पेड़ लगे हुए रहते हैं, देखते हो ना। तो गुलमोहर के पेड़ को इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही आंखों को ठंडक देने वाला और शांत भाव से खड़ा रहने वाला होता है। संस्कृत में इस पेड़ का नाम राज आभरण है, जिसका अर्थ है राजसी आभूषणों से सजा हुआ वृक्ष। राजसी जो राजा लोग पहनते थे उसे कहते हैं राजसी आभूषण, यानी होते हैं गहने। तो राजसी आभूषणों से सजा हुआ वृक्ष, ऐसा नहीं है कि इसने गहने पहन रखे हैं, लेकिन इसके जो फूल है, इसकी पत्तियां हैं, इसकी जो बनावट है वो इसी तरह की लगती है। ये उपमा दी गई है इस वृक्ष को। ओके, भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी इसे लगाया जाता है। गुलमोहर के फूल मकरंद के अच्छे स्रोत हैं। शहद की मक्खियाँ इन फूलों पर खूब मंडराती हैं। मकरंद जो शहद बनाने के लिए काम आता है, उसके लिए कहा गया है। फूलों से जो मधुमक्खियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, पहले फूलों से पराग लेती है, उसके बाद में वो जो शहद बनाती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये गुलमोहर के फूल जो है वो काम आते हैं मकरंद बनाने में। इसकी फलियां लंबी और हरे रंग की होती हैं, उनके अंदर के बीज भूरे रंग के होते हैं। जब हवा चलती है तो फलियों में बीज झुंझने की तरह बचते हैं। जब फलियां सूख जाती है तब हवा चलती है तो फलियों के अंदर जो बीज है वो झुंझने की तरह बचते हैं। जैसे हम एक खाली डिब्बे के अंदर कुछ पत्थर बारीक बारीक कंकड़ डालकर उसको हिलाते हैं तब आवाज़ आती है। और आपने झुंझना देखा है, छोटे बच्चों को झुंझना हिला के उनको रोते हुए हंसाया जाता है ना, वो वाला झुंझना। तो वैसे ही लगती है, हवा का झोंका चलता है तो पेड़ हिलता है, पेड़ के साथ वो फलियाँ हिलती हैं और उनमें से आवाज़ आती है। गुलमोहर के छाल और बीज का उपयोग बहुत सी दवाइयों में भी किया जाता है। ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा एक गद्यांश पढ़ लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस गद्यांश में से जो प्रश्न दिए हुए हैं वो देखते हैं हम, उनके उत्तर भी हमें क्या गद्यांश में से ही देने हैं और प्रश्न गद्यांश के अनुसार बनाए हुए हैं, इनके उत्तर प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, गुलमोहर का पेड़ फूलों की चादर कब से कब तक ओढ़े रहता है।
तो यहाँ गद्यांश में से हमने पढ़ा था कि मार्च से अप्रैल तक, मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई तक फूलों की चादर ओढ़ा रहता है, यानी उसके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा रहते हैं उस टाइम पे, मार्च अप्रैल से जुलाई तक। दूसरा प्रश्न है, गुलमोहर के पेड़ को कहाँ कहाँ लगाया जाता है? गुलमोहर ये भी हमने उसमें पढ़ा था, पैराग्राफ में हमने पढ़ा था गद्यांश के अंदर कि कहाँ कहाँ सड़कों के किनारे, बगीचों में, पार्क में, सब जगह लगाया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलमोहर के शहद की मक्खियाँ गुलमोहर के फूलों पर क्यों मंडराती हैं? मकरंद बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा मकरंद मिलता है तो गुलमोहर के फूलों से मकरंद मिलता है, इसलिए शहद की मक्खियाँ गुलमोहर के पेड़ पे मंडराती हैं। ओके, देखिए आपने यहाँ पे देखा कि बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त के अंदर आंसर दिया हुआ है, तो आपको भी संक्षिप्त आंसर देना है। ऐसे नहीं है आप 4 लाइनें लिख देंगे, जितना गद्यांश के अंदर छोटा उत्तर लिखेंगे आप उतना ही वह सही रहता है। अपनी भाषा के अंदर उत्तर लिख सकते हैं, ये नहीं कि वो लाइनें उठा के आपको लिखनी है, ऐसा नहीं है। आप अपनी भाषा में वो लाइनें लिख सकते हैं, एक या 1.5 लाइन में उत्तर दें, अधिक से अधिक हो सके तो एक वाक्य में, एक शब्द में भी आप उत्तर दे सकते हैं अगर एक शब्द में ही है तो। अब देखिए शब्दों के उत्तर लिखिए, राज आभरण का क्या अर्थ होता है? राज आभरण का अर्थ देखो, राजसी आभूषणों से सजा हुआ वृक्ष, ठीक है। गुलमोहर के फूल किसके स्रोत हैं? मकरंद के। ये देखिए एक शब्द में उत्तर मिल गया कि गुलमोहर के फूल किसके स्रोत हैं? मकरंद के। अब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि गुलमोहर के फूल मकरंद के अच्छे स्रोत हैं, उन पे मधुमक्खियाँ उनसे पराग लेती हैं, इतना लंबा आपको वहाँ से उठा के लिखना नहीं है। आपको बिल्कुल छोटा करके इसमें जितना पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर देना है, ठीक। गुलमोहर के किस किस भाग से दवाइयाँ बनती है? हमने पढ़ा था छाल और बीज से, तो बस इतना ही लिखना है, छाल और बीज। हमने आज ये दोहरान मैंने इसीलिए करवाया है कि आप जो प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं वो वैसे के वैसे उठा के उसमें से 2-3 लाइन आप छाप देते हैं तो वो सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है। उत्तर हमें अपनी भाषा में एकदम छोटा करके लिखना होता है, सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर उसमें आ जाए इतना ही लिखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह दिया हुआ है, गुलमोहर ये तो हो गया हमारा, गद्यांश में आए चार चार शब्द लिखिए, कौन से शब्द लिखने हैं? विशेषण देखिए, छतरीनुमा शांत लंबी लाल, इस तरह के ये विशेषण हो गए। क्रिया शब्द भी है, सहता है, खड़ा रहता है, मंडराती है, बजते हैं। क्रिया देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, आपको आता ही है। और क्रिया जो कार्य कर रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो जिन भी शब्दों में कार्य करना और होना पाया जा रहा है वो वाले शब्द आप लिख सकते हैं। गद्यांश के लिए अच्छा सा शीर्षक, अब गद्यांश के लिए सबसे अच्छा शीर्षक पूरे गद्यांश के अंदर किसके बारे में बताया गया है? गुलमोहर के लिए, तो आप इसके लिए अच्छा शीर्षक यही होगा, गुलमोहर। देखिए, गुलमोहर का वृक्ष, गर्मियों का शांत गुलमोहर, कोई सा भी दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छाटने होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी गद्यांश का दोहरान करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में जो भी गद्यांश दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उन प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे बुक में करें। थैंक यू।